हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट जनरल साइंस लेसन नंबर 9 मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन लीनियर मोशन, सेकंड नॉन लीनियर मोशन। फर्स्ट लीनियर मोशन मीन रेशीय गति। व्हाट इज कॉल्ड लीनियर मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। दिस मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड। इफ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फॉलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशंस आर टू सब टाइप्स, वन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मीन रेशीय एक समान गति। व्हाट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज continuously the same, the motion is called uniform linear motion. For example, the soldiers on a parade keeps on moving in the same uniform motion. In a straight line, their motion does not increase or decrease. आजा parade ची गती एका सरळ रेषेत व एक सारखी असते, ती वाढत नाही किंवा कमी होत नाही। लेट्स सी दॅट नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन मीन रेषीय असमान गती। व्हॉट इज कॉल्ड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन? व्हेन द डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स बाय अन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाईन इन युनिट टाईम कीप्स ऑन चेंजिंग, द मोशन इज कॉल्ड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन। फॉर एक्झाम्पल, the girl coming down a slide does not show uniform motion through her motion is in straight line, it keeps on increasing. घसरगुंडीवरून घसरणाऱ्या मुलीची गती जरी सरळ असेल तरी तिची गती सारखी वाढते. This is the example of non-uniform linear motion. Let's see that non-linear motion. What is called non-linear motion? नैक रेषीय गती। The motion of an object that does not move in a straight line is called non-linear motion. एका सरळ रेषेत न जाणाऱ्या वस्तूच्या गतीस नैक रेषीय गती means non-linear motion असे म्हणतात। Non-linear motion is of the following subtypes. Number 1, oscillatory motion. Second, circular motion. Third, periodic motion. Fourth, random motion. In the next video, we will learn about non-linear motion. Thank you.